बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपके साथ आज का जो डॉलर का और रियाल का एक्सचेंज रेट है और बैंकों के हिसाब से अजी वो शेयर कर दूंगा मैं। सबसे पहले आपको डॉलर रेट के मतलब ही बता दूं जो कि कल 218.60 रुपये हुआ और आज 218.75 रुपये यानी कि 75 पैसे हुआ। कल की निस्बत आज डॉलर 15 पैसे महंगा हुआ है जी। हालांकि IMF की तरफ से हमें कर्ज़ा जो है जी वो 1.2 वो बिलियन वो मिल चुका है। ठीक है जी, अभी मुख्तलिफ बैंकों के हिसाब से और रियाल रेट के मतलब आपको बता दूं। पहले एक्सचेंज रेट देख लें जी, 58.16 रुपये रहा आज का एक्सचेंज रेट और ये पाकिस्तानी रुपए एंड इंडिया की बात करें तो आपको 21.20 रुपये एंड बांग्लादेशी टका 25.27 रुपये रखा जी आज का रेट। मुख्तलिफ बैंकों के हिसाब से आपको बता दूं, सबसे पहले बात करेंगे हम मनीग्राम की। इनका रेट आज का रखा 57.49 रुपये और 23 रियाल इनकी फीस है जी। एंड ANB बैंक यानी कि टैली मनी, इनका रेट आज का 57.90 रुपये रखा, हाई रेट इनका है जी और 15 रियाल इनकी फीस है जी। वेस्टर्न यूनियन 57.92 रुपये रेट दे रहा है और 23 रियाल इनकी फीस है जी। वैसे ये 30 रियाल भी काट लेते हैं अगर आप फर्स्ट टाइम भेज रखे हैं और किसी के नाम के ऊपर भेज रहे हैं। तो राजी बैंक तहरीर राजी 57.10 रुपये आज का रेट एंड 10, 17 एंड 25 रियाल इनकी फीस है जी। इंजाज बैंक आज का 57.17 रुपये रेट और 10, 17 एंड 25 रियाल इनकी भी फीस होती है जी। STC पे की बात करें तो आपको 57.75 रुपये यानी कि 75 पैसे आज का रेट मिल जाएगा STC पे से और 17.25 रियाल इनकी फीस होती है जी। फौरी बैंक बैंक अल जजीरा 57.65 रुपये आज का रेट दे रहा है और 10 रियाल इनकी फीस होती है जी। अगर क्विक पे के मतलब बात करें तो क्विक पे आज का रेट 57.23 रुपये एंड 10 एंड 17 रियाल इनकी फीस होती है जी। अभी हाउंडी के थ्रू आपको थोड़ा मैं गाइड करता चलूँ। इनका रेट हाउंडी का आज का 53 या 54 दे रखे हैं, 53 से 54 दे रखे हैं। कल एक भाई मुझे पूछ रहा था रकम ज़्यादा, मैं अगर तो रकम ज़्यादा है और आप एमरजेंसी में पाकिस्तान आ रखे हैं तो फिर इनसे भेज सकते हैं, वरना इतना फायदा लेने की ज़रूरत की हो, रेट भी कम है और रिस्क भी है। आप किसी बैंक वगैरह से या अपने साथ लें 20-30 हज़ार की रकम भी है तो कोई मुश्किल नहीं है।